हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, DSSSP TGT नेचुरल साइंस में हमें टोटल कितनी यूनिट्स करनी है। बायोलॉजी में टोटल 21 यूनिट्स हमें दी हुई है। आज जो हम यूनिट का टॉपिक करेंगे वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट का टॉपिक एंजाइम्स। आपको पता है DSSSP TGT नेचुरल साइंस में आपको अराउंड 10 यूनिट दी गई है आपकी BSc जुआलॉजी से, और आपकी जो 11 यूनिट है वो है आपकी NCERT से। तो हमारे जो ग्रेजुएशन के टॉपिक है उसमें से मैं आपको 6 यूनिट टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ। सेरीकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़, बोन एंड कार्टिलेज, अप्लाइड जुआलॉजी, एक्वेटिक बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। उसके अलावा केमिस्ट्री में एक यूनिट मैन मेड मटेरियल मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, इसके MCQ भी मैं आपको करा चुकी हूँ। इन सारे के सारे यूनिट्स के MCQ हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड अवर इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक ऐसी 10 यूनिट है हमारी जो टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट जो हमने स्टार्ट की है वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस यूनिट के अंदर मैं आपको दो सब टॉपिक पहले ही करा चुकी हूँ। जब मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का टॉपिक कराया था तब मैंने आपको दो टॉपिक करा दिए थे, वो थे मैक्रो इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। यहीं पर आपको एक और टॉपिक दिया हुआ है एंजाइम्स, ठीक है। तो आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स होते क्या हैं? सबसे पहले हमें ये जानना है कि एंजाइम्स हम किसको कहते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। आपको पता है आपकी बॉडी में ना बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। उन सारी रिएक्शंस में जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं वो कौन हेल्प कर रहे होते हैं? हमारे एंजाइम्स हेल्प कर रहे होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उनमें हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। तो एंजाइम्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं और खुद उसमें चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि खुद कंज्यूम हो जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो एंजाइम्स हैं वो ना तो कभी खुद को चेंज करते हैं ना कभी इस प्रोसेस में कंज्यूम होते हैं, ठीक है। जो ये टर्म थी एंजाइम, ये किसने कॉइन की थी? विलियम कुहने ने इसको कॉइन किया था, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम टर्म किसने कॉइन की है, विलियम कुहने ने कॉइन किया है। उसके बाद है ना, एंजाइम कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है उनका जो रेट है, उनका जो स्पीड है, उसको इंक्रीज कर देते हैं और खुद इस पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये एंजाइम की प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आपके जो ज़्यादातर एंजाइम्स है वो कैसे हैं। नेचर में प्रोटीन्स है, ठीक है। आपके ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स भी है जो कैसे हैं? कैटलिटिक आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी एंजाइम आपके कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ एंजाइम्स का ग्रुप ऐसा भी है जो कैसे हैं? आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर एंजाइम है जैसे कि पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम का नाम होता है, तो आपको पता है उसका फंक्शन जो है ना वो हाईली स्पेसिफिक है। वो क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन ही करेगा, कुछ और काम वो नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं, अपने ही सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते हैं, वही रिएक्शन करते हैं जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा है ना, बहुत ज़्यादा कैटलिटिक पावर होती है उनके अंदर, यानी कि आपकी रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को तो वो डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, और रिएक्शन का जो रेट है उसे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिएक्शन का रेट फास्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एंजाइम जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ आपकी जो रिएक्शन का रेट है उसकी जो स्पीड है उसको स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और ये काम वो करते कैसे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, ठीक है। ये थी हमारी एंजाइम्स की प्रॉपर्टी। उसके बाद है
एंजाइम्स को के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल एंजाइम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम हम किसको कहते हैं और होलो एंजाइम हम किसको कहते हैं, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बन सकते हैं इस स्लाइड से। तो सिंपल एंजाइम होता है जो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना होता है, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा एंजाइम है अगर वो प्रोटीन से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है कंप्लीटली, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, सिंपल एंजाइम बुलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है? तो एंजाइम जिसके अंदर है ना प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। आपको पता है ना कॉन्जुगेट हम किसको बुलाते हैं, दो जो दो चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक है? तो इसमें एक ऐसा पार्ट होगा जो प्रोटीन से मिलके बना होगा और एक ऐसा पार्ट होगा जो बिना प्रोटीन के बना होगा, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसे हम क्या बुलाते हैं, को फैक्टर बुलाते हैं। तो आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है कि को फैक्टर हम किसको कहते हैं, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, को फैक्टर बुलाते हैं। उसके बाद आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है एपो एंजाइम क्या होता है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन वाले पार्ट को आप देख रहे हो, को फैक्टर के पार्ट को आप बाहर निकाल दे रहे हो, ओनली प्रोटीन पार्ट को आप देख रहे हो, उसे आप क्या बुलाते हो, एपो एंजाइम बुलाते हो, ठीक है? तो अगर सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट की बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एपो एंजाइम की बात कर रहे हैं। होलो एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन जिसके अंदर एपो एंजाइम भी है और नॉन प्रोटीन को फैक्टर भी है। होलो का मतलब है, होलो एंजाइम का मतलब है आपके पास प्रोटीन पार्ट भी रहेगा जिसको हम एपो एंजाइम बुलाते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहेगा जिसे हम को फैक्टर बुलाते हैं, ठीक है? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल एंजाइम किसको कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम किसको कहते हैं, एपो एंजाइम किसको कहते हैं, होलो एंजाइम किसको कहते हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए चारों, कि अगर सिर्फ प्रोटीन पार्ट की बात हो रही है तो एपो एंजाइम की बात हो रही है, अगर प्रोटीन पार्ट प्लस को फैक्टर की बात हो रही है तो होलो एंजाइम की बात हो रही है। अगर आपका एंजाइम पूरा का पूरा सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना हुआ है तो उस किसकी बात हो रही है, सिंपल एंजाइम की बात हो रही है। उसके बाद होता है को एंजाइम्स हम किसको कहते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप हम किसको कहते हैं, ठीक है? तो आपके जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है उसके अंदर एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो को फैक्टर का रोल प्ले करेगा उसको हम क्या बुलाते हैं, को एंजाइम्स बुलाते हैं, ठीक है? एंजाइम के अंदर एक प्रोटीन वाला पार्ट है, एक को फैक्टर वाला पार्ट है। को फैक्टर वाला पार्ट अगर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो को फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, को एंजाइम बुलाते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। तो ऐसे को फैक्टर्स जो प्रोटीन वाले पार्ट से बहुत ही टाइटली कोवेलेंटली एंड नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बुलाते हैं, ठीक है? आपके को फैक्टर्स जो प्रोटीन से कोवेलेंटली या नॉन कोवेलेंटली किसी भी तरीके से अटैच है उस ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बुलाते हैं। नेक्स्ट है, हमने है ना एंजाइम्स का नॉमनक्लेचर कैसे किया। आपको पता है जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास किंगडम्स प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है, उन सबके हमने साइंटिफिक नेम रखा है और उसके लिए हमने उनका एक नेमिंग सिस्टम भी बना रखा है जिसको हम क्या बुलाते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बुलाते हैं। ऐसे ही है ना जब हम एंजाइम्स का नाम रखते हैं उनका भी नोमेनक्लेचर किया गया है तो उसके लिए जो कमीशन उनका नाम रखती है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, एंजाइम कमीशन बुलाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम का जो नामकरण है वो कौन करता है, एंजाइम कमीशन करता है, ठीक है? तो वो है ना एंजाइम को किस बेसिस पे क्लासिफाई करता है, वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन कैटलाइज करता है, किस तरीके की रिएक्शन को वो कैटलाइज करता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है, ठीक है? तो एंजाइम कमीशन क्या करती है, हर एक एंजाइम के को है ना चार पार्ट्स देती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा हुआ है ईसी 2.7.1.2 हेक्सोकाइनेज, ठीक है? तो जो पहले तीन नंबर आपको दिखा रहे हैं, इसकी मेजर क्लास बता रहे हैं, इसकी सब क्लास बता रहे हैं और सब क्लास की भी सब क्लास बता रहे हैं। आपके जो पहले तीन नंबर है वो ये सब चीजें डिफाइन कर रहे हैं, जो लास्ट में आपको एक सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है, सब सब क्लास, ठीक है? और ये एंजाइम है ना इस लिस्ट में किस नंबर पे ऐड हुआ है ये बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है? यानी कि हेक्सोकाइनेज में है ना इससे पहले एक और डिस्कवर किया गया होगा और ये कौन से नंबर पे डिस्कवर किया गया, दूसरे नंबर पर डिस्कवर किया गया। तो एंजाइम का नॉमनक्लेचर कौन करता है, एंजाइम कमीशन करता है। उसके नाम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट होते हैं, पहले तीन पार्ट क्या डिफाइन करता है, लास्ट पार्ट क्या डिफाइन करता है, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए।
उसके बाद होता है जब हम एंजाइम्स को क्लासिफाई करते हैं, तो मेजरली हम उसे 7 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, यानी कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है एंजाइम की, और वो किस में डिवाइडेड है, 7 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है। ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, ट्रांसफरेजिस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, हाइड्रोलेसिस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, लाइसिस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, आइसोमेरेजिस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, लाइगेजिस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, और ट्रांसलोकेजिस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जब हम वेक्टर वाली यूनिट कर रहे होते हैं, तो जब हम वेक्टर्स को कट करते हैं, उन्हें ज्वाइन करने का काम, स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, लाइगेजिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एंजाइम्स जो है उनको मेजरली हमने कितनी क्लासेस में डिफाइन किया है, 7 क्लासेस में डिफाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम है जो किस तरीके की रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो इसके नाम में लिखा हुआ है ऑक्सी रिडक्टेजेस। ठीक है, यानी कि किस तरीके की रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ऐसी रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को टेक प्लेस कराने में मदद करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स बुलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने दो एंजाइम्स के नाम लिखे हैं, ऑक्सीडेजिस और डिहाइड्रोजिनेसिस। ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनका काम क्या है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की जो रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है उनको कराने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद आते हैं ट्रांसफिरेसिस। ठीक है, तो अगर है ना ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक जगह पर प्रेजेंट था, अगर उसे दूसरे मॉलिक्यूल की जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये काम करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसफिरेजेस बुलाते हैं। जैसे कि फॉस्फोराइलेजेस, काइनेजेस, आपने देखा ना जब हम एटीपी रिएक्शन पढ़ते हैं, उससे पहले वो क्या होता है, एडीपी होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उस रिएक्शन को टेक प्लेस कराने में जो हमारी मदद करेंगे, फॉस्फोराइलेशन जो कराते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसफिरेसिस बुलाते हैं। ठीक है, ये हमारी एंजाइम की दूसरी कैटेगरी है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो जहां पर है ना पानी को ऐड करके बॉन्ड्स को तोड़ा जा रहा होता है, ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या होगा, बॉन्ड टूट रहे हैं, ऐसा किसकी मदद से हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर क्या ऐड हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है। हाइड्रोलिसिस वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। तो ऐसे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं पानी को ऐड करके, उसको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोलिसिस बुलाते हैं। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने आपके लिखा है वो क्या है, पेप्टाइडेजिस। ठीक है, उसके बाद आता है लाइसिस। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो क्या करेंगे, लाइसिस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं। तो अगर है ना बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, कार्बन और कार्बन अटैच थे उनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन अटैच थे उनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन अटैच थे उनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और सल्फर अटैच थे। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो एंजाइम्स बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, लाइसिस ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्डोलेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है आइसोमेरेसिस एंजाइम्स की। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखो दो टाइप की चीजें होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर और एक होती है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो जब है ना दो मॉलिक्यूल के बीच में जो चीजें हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर किसी तरीके का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बुलाएंगे, आइसोमेरेसिस बुलाएंगे। इसलिए देखो इसके नाम में भी लिखा हुआ है आइसोमेरेसिस। आपको पता है ना हमारे पास बहुत सारे आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स की फॉर्मेशन में जो एंजाइम्स हमारी हेल्प कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, आइसोमेरेसिस बुलाते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो क्या है, म्यूटेसिस। ठीक है, उसके बाद आता है लाइगेसिस। ठीक है, तो जो है ना देखो जो लाइगेजिस एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, जो बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करते हैं, अगर कार्बन और कार्बन को अटैच कर रहे हैं, कार्बन और सल्फर को अटैच कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को अटैच कर रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन को अटैच कर रहे हैं।
ठीक है, अगर इनको ब्रेक कर रहे हैं तो हम इसे लाइसिस बुलाएंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो लाइसिस बुलाएंगे, अगर जोड़ने का काम कर रहे हैं तो लाइगेजिस बुलाएंगे, ठीक है। तो आपको इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो मॉलिक्यूल को जो एसोसिएट करने का काम बुलाए करते हैं, उन एंजाइम्स को हम क्या बुलाते हैं, लाइगेसिस बुलाते हैं। आपको पता है डीएनए लाइगेस, जब हम अपने डीएनए को कट कर रहे होते हैं उसके स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा होता है, जब हम पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, हम अपना डीएनए एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वहां पे जोड़ने का काम कौन करते हैं, लाइगेजिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसलोकेजिस, ठीक है। तो ट्रांसलोकेजिस ऐसे एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स जो है मेम्ब्रेन के थ्रू है ना मॉलिक्यूल्स और आयन्स को मूव कराते हैं, ठीक है, और उन्हें सेपरेट रखते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो जो ऑर्निथिन ट्रांसलोकेजिस है ये इसका एग्जाम्पल है। आपको पता है एक रिएक्शन जब स्टार्ट होती है हमारे पास जो उस टाइम प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट्स बुलाते हैं। जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, रिएक्शन टेक प्लेस कर जाती है और जो हमें मिलता है उसे हम क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट्स बुलाते हैं। तो आप देख रहे हो जब एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है अगर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। और आपने देखा जैसे ही आप अपने रिएक्टेंट्स को है ना एंजाइम्स की हेल्प प्रोवाइड करोगे तो एकदम से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और आपकी जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड अप हो जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं और जो रिएक्शन का रेट है उसे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। रिएक्टेंट्स हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी, अगर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। अब हमें पढ़ना है कि एंजाइम्स जो है वो काम कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं। तो कैटालिसिस का जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है, आपके जो एंजाइम्स है वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड करते हैं। आपको पता है हमारे एंजाइम के पास है ना एक साइट होती है जिसे हम क्या बुलाते हैं, एक्टिव साइट बुलाते हैं। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहां पर आकर हमारा सब्सट्रेट बाइंड करता है, ठीक है। किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कैसा बनेगा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक इंटरेक्शन हो सकती है और रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। यानी कि जब आपके एंजाइम के साथ सब्सट्रेट बाइंड कर रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स वो बना सकता है, ठीक है। जैसे ही ये इंटरेक्शन होती है तो बहुत सारी फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बुलाते हैं, जब एंजाइम और सब्सट्रेट बाइंड हो जाते हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बुलाते हैं, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी जो है ये क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देती है। मैंने आपको बताया ना जैसे ही एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन में अटैच हो जाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। अब आपने सोचा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी घटती कैसे है, क्योंकि जैसे ही एंजाइम और सब्सट्रेट आपस में बाइंड करते हैं तो वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देती है और रिएक्शन का जो रेट है उसे फास्ट कर देती है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके पास एंजाइम प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों आपस में अटैच हो गए। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, ES कॉम्प्लेक्स है। और अब हमें क्या मिल जाएंगे, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिल गया। सबस्ट्रेट अब किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ई यहाँ पर किस चीज के लिए स्टैंड करता है, एंजाइम के लिए स्टैंड करता है। एस क्या है, सबस्ट्रेट है। और पी हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में बाइंड कर देते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं। और ये दोनों के दोनों मिलके हमें क्या दे देते हैं, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट दे देते हैं। अब देखो एंजाइम का कुछ नहीं बिगड़ा, सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। और मैंने आपको बताया था ना कि एंजाइम यहाँ पर कंज्यूम नहीं होता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो एकदम सेम रहता है। उसका बस क्या रोल है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, रिएक्शन के रेट को फास्ट करना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमारी रिएक्शन है। उसके बाद है ना एंजाइम सब्सट्रेट एक दूसरे से किस तरीके से बाइंड करते हैं, इसको हम है ना दो मॉडल्स के थ्रू पढ़ते हैं। आपसे है ना कई बार एग्जाम में बस इन मॉडल के नाम पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉक एंड की मॉडल जो है
वो किस चीज को शो करता है, तो आपके जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे से कैसे बाइंड करते हैं, लॉक एंड की मॉडल के थ्रू हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। और इंड्यूस्ड फिट मॉडल का एक दूसरा नाम भी है हैंड इन ग्लोव मॉडल, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल जो है हमारा वो एमिल फिशर ने दिया था। आपको इनका नाम मालूम होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, तो एमिल फिशर नाम के एक इंसान थे, उन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया। एंजाइम और सब्सट्रेट एक दूसरे के साथ किस तरीके से बाइंड करते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। उसके अलावा जो हमारा इंड्यूस फिट मॉडल है उसे किसने दिया है, डेनियल कॉसलैंड ने दिया है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। तो ये ऐसा कहता है कि जैसे कि आपके ताला और चाबी होते हैं, जैसे आपकी एक जो ताला है उसका जो की है वो एकदम स्पेसिफिक होता है, वो की ही आके वहां अटैच होती है और तभी ताला खुलता है। तो ऐसा ही वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम और लॉक जो है वो किस तरीके से काम करता है। एंजाइम जो है वो लॉक का काम कर रहा है, और आपका जो सबस्ट्रेट है वो किसका काम कर रहा है, चाबी का काम कर रहा है। एंजाइम जो है वो ताले का काम कर रहा है, आपके जो सबस्ट्रेट है वो चाबी का काम कर रहा है। तो क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो की होल का काम कर रही है, वहां पे है ना सबस्ट्रेट आके अटैच करेगा, और अगर एकदम परफेक्ट शेप है तो वो दोनों के दोनों एकदम एक्टिव साइट में एकदम फिट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देखो अगर आप सही चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो खुल जाएगा, अगर आप सही गलत चाबी से खोल रहे हो तो नहीं खुलेगा। तो इसी तरीके से होता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे कि मानिए नीचे वाला जो आपके पास है एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है, आपके एंजाइम में एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है, आपका सबस्ट्रेट आ रहा है। अगर ये एकदम परफेक्ट शेप का हुआ, बिल्कुल पर्टिकुलर शेप का हुआ, तो क्या हुआ, ये दोनों के दोनों फिट हो जाएंगे और हमारा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉन्ड बना देंगे, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, ठीक है, अगर इनकी परफेक्ट शेप है। अब सोचो आपके सब्सट्रेट की शेप है ना इस तरीके की होने के बजाय एकदम सर्कुलर होती, तो कोई तो क्या वो यहाँ पर फिट हो पाता, नहीं फिट हो पाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मेथड बोलते हैं, जो किसने दिया था, फिशर ने दिया था। दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें क्या होता है, आपका सब्सट्रेट जब एंजाइम से बाइंड करता है तो अपना आपका जो एंजाइम होता है ना वो अपनी शेप को थोड़ा सा बेटर अलाइन करने के लिए खुद को चेंज करता है। इसकी वजह से कभी कभी तो क्या होता है, आपकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से अपने आप को चेंज करेगा तो क्या होगा, आपकी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट भी हो सकती है, ठीक है। ये देखो जैसे कि इंड्यूस फिट मॉडल है, ये जो शेप है ये पर्टिकुलर शेप तो नहीं बैठ रही थी, एकदम फिक्स शेप तो नहीं बैठ रही थी, लेकिन एंजाइम ने क्या किया, खुद को अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज किया ताकि वो यहाँ पर एकदम फिट हो सके, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इंड्यूस फिट। वो इंड्यूस होने की कोशिश कर रहा है, फिट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन लॉक एंड की मेथड में क्या होता है, एकदम परफेक्ट शेप पहले से होगी तभी वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे। आप गलत चाबी से अगर खोलने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं खोल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है आइसोजाइम्स हम किसको कहते हैं और जाइमोजन हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो आइसोजाइम्स क्या होते हैं, अब आपको ये डिफाइन करना है। तो आइसोजाइम्स ना हम उन एंजाइम्स को कहते हैं जिनके अंदर है ना, अगर आप अमाइनो एसिड की सिक्वेंसिंग करने लगो, आप उनके अमाइनो एसिड के सिक्वेंस को देखो, तो वहां पर है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड के सीक्वेंस दिखाई देंगे, लेकिन वो सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उनकी जो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज है वो आपको डिफरेंट मिलेगी, पर जो एग्जाम्पल है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का। तो आइसोजाइम्स का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि अगर वो क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेसिस रिएक्शन करते हैं, तो डिहाइड्रोजिनेसिस रिएक्शन पहले वाला एंजाइम भी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं इन तीनों एंजाइम्स का अमाइनो एसिड सीक्वेंस देख रही हूँ तो वो है ना तीनों में अलग मिलेगा, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, रिएक्शन जिस तरीके की कैटलाइज कर रहे हैं वो एकदम सिमिलर मिलेगी। यानी कि जिस टाइप की रिएक्शन ये कर रहे होते हैं वो सेम रहती है, लेकिन इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। इनको हम क्या बुलाते हैं, आइसोजाइम्स बुलाते हैं। उसके बाद आता है जाइमोजन क्या होते हैं, ठीक है। तो आपका ऐसा एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में, आपको पता है जब हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है वो
एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता है, पेप्सिनोजन फॉर्म में रिलीज होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव होता है। जैसे ही एचसीएल आता है, एसिडिक कंडीशन हो जाती है, तो क्या होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है एंजाइम का, यानी कि हमारा इनएक्टिव एंजाइम हमारे पास जो है उसे हम क्या बुलाते हैं, जाइमोजन बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में कौन रोल प्ले करता है, पेप्सिन एंजाइम रोल प्ले करता है। लेकिन जब वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको हम पेप्सिनोजन बुलाते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पेप्सिनोजन किस टाइप का एंजाइम है, आइसोजाइम है, जाइमोजन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेप्सिनोजन अगर पूछा है तो जाइमोजन है, अगर पेप्सिन है ठीक है तो वो फिर इनएक्टिव नहीं है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनएक्टिव एंजाइम को हम बोलते हैं जाइमोजन। ठीक है, और आइसोजाइम हम किसको बुलाते हैं, जो रिएक्शन तो सेम टाइप की करते हैं लेकिन अगर आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो, उनमें के अंदर आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है राइबोजाइम। क्या होता है, तो आरएनए मॉलिक्यूल, अगर आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो एंजाइम्स है वो प्रोटीनेशियस है नेचर में, लेकिन अगर आपका आरएनए मॉलिक्यूल कोई केमिकल रिएक्शन कैटलाइज करा पा रहा है तो उसको हम क्या बुलाएंगे, राइबोजाइम बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एंजाइम काइनेटिक्स, हम किसको कहते हैं। तो आप है ना, अगर एंजाइम के रेट की स्टडी कर रहे हो कि उसने है ना कितना इंक्रीज किया, कैसे इंक्रीज किया, एक्टिवेशन एनर्जी को उसने कैसे घटाया, अगर आप इन सब की स्टडी कर रहे हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना, जब हम बीएससी जुआलॉजी में होते हैं वहां पे आपको मिशलेस एंड मेंटेन इक्वेशन का डेरिवेशन भी दिया होता है, जो मैंने आपको नहीं कराया, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, पर आप इक्वेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी पर फर्क डालते हैं। तो सबसे पहले होता है टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है या दुनिया में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी को है ना बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है तो भी आपके एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो भी आपके एंजाइम्स जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये होता कैसे है, आपको पता है हमारे जितने भी एंजाइम्स है वो मोस्टली प्रोटीन है नेचर में। ठीक है, और आपको पता है जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे जो प्रोटीन है वो डीनेचर कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, और लो टेम्परेचर भी इनएक्टिवेटेड रखता है आपके एंजाइम्स को, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है आपके एंजाइम्स को काम करने के लिए। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाई, बहुत ज्यादा हाई कर दिया है आपने टेम्परेचर, तो आपके एंजाइम सही से काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा लो कर दिया है तब भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक रेंज होती है कि वो इस पर्टिकुलर रेंज में तो परफेक्टली काम करता है, लेकिन अगर आपने उससे बहुत हाई कर दिया टेम्परेचर तो भी काम नहीं करता है, अगर बहुत लो कर दिया है तब भी काम नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा सेम कॉन्सेप्ट होता है पीएच का। ठीक है, अगर एंजाइम्स का पीएच आपने बहुत एसिडिक कर दिया तो भी वो काम नहीं करेगा, अगर बहुत बेसिक कर दिया तो भी काम नहीं करेगा। हर एक एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर पीएच भी है और उसी ऑप्टिमम पीएच पर वो काम करता है। ठीक है, कोई कोई जैसे हमारा पेप्सिन है वो कब काम करता है, अगर आपने एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर रखी होगी। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ एंजाइम्स क्या है, हमारे डाइजेशन में जो यूज होते हैं उनको कैसा मीडियम चाहिए होता है, एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। अगर एल्कलाइन मीडियम नहीं हो पाता ना, बाइल जूस आके एल्कलाइन मीडियम नहीं बनाता है, तो बहुत सारे एंजाइम्स काम ही नहीं करते हैं। सेम हमारे पेप्सिन के साथ है, अगर पेप्सिन के वहां पर आपने एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड नहीं की ना तो वो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता है, क्योंकि हमारे एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये आपको मालूम चल गया, एंजाइम्स के ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट होता है ये भी आपको मालूम चल गया। उसके बाद होता है एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। ठीक है, एंजाइम जो है उसकी जो एक्टिविटी है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकती है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जब एक बार आपका एंजाइम जो है
कोवेलेंटली अगर अटैच हो गया तो उसने है ना पूरा का पूरा एक्टिव साइट को है ना बिल्कुल खराब कर दिया और अब वो बिल्कुल काम नहीं कर पाई। यानी कि आपको पता है आपके एंजाइम्स के पास है ना एक एक्टिव साइट है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट को बाइंड करना था, लेकिन सबस्ट्रेट के अलावा अगर कोई और सब्सटेंस आके वहां बाइंड कर गया और उसने एक्टिव साइट को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसको हम क्या बुलाएंगे, एंजाइम इनहिबिशन बुलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए साइनाइड, साइनाइड जो है वो एक तरीके का पॉइजन होता है, वो अगर आकर आपके एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर गया तो वो उसको है ना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, अब आपका एंजाइम वहां पर आके बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, कोई आकर वहां पर अटैच कर गया था लेकिन अगर वो हट जाता है तो आपका जो एंजाइम है उसकी शेप खराब नहीं होती है, दोबारा से आके आपका सब्सट्रेट वहां पर अटैच कर सकता है, ठीक है। तो दो तरीके का इनहिबिशन हो सकता है, एक इनहिबिशन ऐसा होता है जो रिवर्सिबल है, एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होगा, कोई चीज आके अटैच हुई वो हट गई लेकिन आपका एंजाइम की शेप उसने खराब नहीं की। कोई कोई चीज ऐसी हो गई अगर साइनाइड आके अटैच कर गया तो वो पूरा का पूरा आपके एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब एंजाइम इनहिबिशन जो है आपका वो तीन तरीके का हो सकता है, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपका एंजाइम इनहिबिशन कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इन तीनों को हम पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है आपका जो इनहिबिटर है यानी कि आपके एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है वहां आकर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को अटैच करना था, लेकिन कोई है जो जिसको हम क्या बुलाएंगे, इनहिबिटर बुलाएंगे, जो आपको आपके एंजाइम साइट से जाके अटैच करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहा है, ठीक है। उसका जो शेप है ना वो बहुत ज्यादा रिजेम्बल कर रहा है, जैसे कि दो जुड़वा भाई है उनकी जो शक्ल है वो इतनी ज्यादा मैच करती है कि कोई पहचान ही नहीं पाता, यानी कि क्राइम दूसरे ने किया लेकिन सजा दूसरे को मिल जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, वो दोनों के दोनों एंजाइम जो है और इनहिबिटर जो है उनका जो शेप है वो इतना सिमिलर है कि एंजाइम पहचान ही नहीं पाता है कि ये इनहिबिटर आया है कि सबस्ट्रेट आया है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, जो आपका इनहिबिटर है वो कम्पीट कर रहा है आपके सबस्ट्रेट के साथ कि नहीं मैं अटैच करूंगा और आपका जो जो सबस्ट्रेट है उसको अटैच नहीं करने देता है, ये होता है हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, वो जाकर आपके एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं करता। अगर आप अपने एंजाइम्स को कभी भी देखोगे ना तो उसके पास एक एक्टिव साइट होती है और कुछ और साइट भी प्रेजेंट होती है, तो उसने क्या किया, एक्टिव साइट पे जाके उसने एक्टिव साइट के लिए कम्पीट नहीं किया, वो जाके एक दूसरी साइट पे अटैच कर गया है, उसको हम क्या बुलाते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसने कहा बस मुझे तो एंजाइम से अटैच होना है, मेरे को एक्टिव साइट से कोई मतलब नहीं है, मैं तो कहीं भी जाके अटैच हो जाऊंगा, वो कहीं भी जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। ये क्या करता है, सबस्ट्रेट के अलावा जो कोई दूसरी साइट है वहां पे जाके बाइंड कर जाता है, और ये क्या करेगा, जब आप एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिल चुके थे उसके बाद जाके बाइंड करता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, अभी सबस्ट्रेट ने बाइंड नहीं किया था, उससे पहले ही आके इसने कंपीट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखो एंजाइम एक्टिविटी को आप रेगुलेट कैसे कर सकते हो, तो बहुत सारे रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी कैटालिटिव एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आपकी बॉडी ने कैसा सिग्नल दिया है। सोचो आपकी बॉडी में सारे के सारा जो प्रोटीन प्रेजेंट था डाइजेशन के टाइम पे वो सारा का सारा आराम से डाइजेस्ट हो गया, तो वो पेप्सिन को क्या सिग्नल देगा कि अब आपको रिलीज होने की जरूरत नहीं है, आप अपना रिलीज जो है वो रोक लीजिए क्योंकि अभी हमें कोई प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करना है। तो ये क्या किया, उसने रेगुलेट कर दिया। सोचो बहुत सारा प्रोटीन आपने खा लिया और आपका जो पेप्सिन है वो कम रह गया, तो एकदम से वो सिग्नल देगा कि अभी बहुत सारा प्रोटीन बचा हुआ है तो पेप्सिन बहुत सारा रिलीज करो, तो पेप्सिन रिलीज करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पेप्सिन का दिया है, कोई और एंजाइम की भी बात कर सकते हैं आप, ठीक है। आता है हमारा एलिस्ट्रिक एंजाइम रेगुलेशन। तो एलिस्ट्रिक एंजाइम हम किसको बुलाते हैं, एक टाइप के जो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम की क्लास होती है उसे हम क्या बुलाते हैं, एलिस्ट्रिक एंजाइम्स बुलाते हैं, जो क्या करते हैं आपके एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इस बेसिस पे कि सिग्नल क्या पहुंचा है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिस्टिक एंजाइम किस तरीके से फंक्शन करता है, रिवर्सिबल होता है और नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग कर रहे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के साथ जाके रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मॉड्यूलेटर्स और इफेक्टर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो एलिस्टिक साइट क्या होती है, एलिस्टिक रेगुलेटर क्या होता है, एलिस्टिक एक्टिवेटर क्या होता है और एलिस्टिक इनहिबिटर क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। तो एलिस्टिक साइट होती है आपका जो एलिस्टिक रेगुलेटर है, जो आके एंजाइम पर बाइंड होने वाला था, जहां पर जाकर वो बाइंड होने वाला था। आपको पता है एलिस्टिक एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो आपको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, आपके एंजाइम्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो जहां पर जाके एंजाइम के जिस पार्ट में जाके हमारा एलिस्टिक रेगुलेटर बाइंड होने वाला था, उसे हम क्या बुलाते हैं, एलिस्टिक साइट बुलाते हैं। अब एलिस्टिक रेगुलेटर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो आपके एलिस्टिक साइट पे जाके बाइंड होने वाला था, आपके एंजाइम की जो शेप है उसको चेंज करने वाला था, उसकी कॉन्फॉर्मेशन में चेंज लेके आने वाला था, उसे हम क्या बुलाते हैं, एलिस्टिक रेगुलेटर बुलाते हैं। उसके बाद होता है एलिस्टिक एक्टिवेटर क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा इफेक्टर जो क्या करता है, आपकी एंजाइम एक्टिविटी को और भी ज्यादा इनहेंस करने वाला था, एक्टिवेट करने वाला है, किसी चीज को और ज्यादा एक्टिवेट करने वाला है, बढ़ाने वाला है, जो आपका रेगुलेटरी फंक्शन है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने वाला है, इनहेंस करने वाला है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एलिस्टिक एक्टिवेटर बुलाते हैं। उसके बाद होता है एलिस्टिक इनहिबिटर। अब डेफिनेटली सी बात है, ये क्या करेगा, जब ये आके अटैच होगा, इनहिबिट करने का काम है, तो आपका जो एंजाइम बहुत ज्यादा अच्छे से रिलीज हो रहा था, उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। तो आपका एलिस्टिक रेगुलेशन हो कैसे रहा होता है, सोचो कोई एक्टिवेटर है जो ये सिग्नल देने वाला है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ा देना है, और एक इनहिबिटर है जो ये सिग्नल देगा कि आपको इसका जो प्रोडक्शन है वो कम कर देना है। तो ये जाके जब बाइंड करते हैं और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंज लाते हैं, और एंजाइम एक्टिविटी या तो बढ़ेगी या तो घट जाएगी। अगर एक्टिवेटर आके अटैच हुआ है तो क्या होगा, आपकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर एलिस्टेटिक इनहिबिटर आके अटैच हुआ है तो क्या होगा, आपकी एंजाइम एक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, आपको पता है आपके जो सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं ना, उनके पास साइट प्रेजेंट नहीं होती है एलिस्टिक बाइंडिंग के लिए। ठीक है, आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके पास एलिस्टिक साइट प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बुलाते हैं, एलिस्टिक एंजाइम्स बुलाते हैं। और आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिनके पास कोई एलिस्टिक साइट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सारे एंजाइम्स के पास एलिस्टिक रेगुलेशन का मेथड प्रेजेंट नहीं होता है। आप देखो यहाँ पर मानो आपका एक एंजाइम है, उसके पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है, जहां पे आके क्या अटैच होने वाला था, डेफिनेटली सी बात है आपका जो सबस्ट्रेट है वो आकर एक्टिव साइट पर अटैच करता है। ठीक है, आपकी एक एलिस्टिक साइट भी है, ये यहाँ पे आके एक इनहिबिटर आया, उसने क्या बताया कि आपको है ना, इसने शेप को चेंज कर दिया, आपके एंजाइम की शेप को चेंज कर दिया, तो उसे पता चल गया कि मेरे को और एंजाइम रिलीज नहीं करना है। ठीक है, इनहिबिटर के केस में क्या होता है, और एंजाइम रिलीज नहीं करना है, ऐसा हुआ। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, आपका एंजाइम है उसके पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है, एक एक्टिवेटर साइट प्रेजेंट है। ठीक है, एक्टिवेटर का काम क्या होता है कि एंजाइम को और रिलीज करो, मुझे और ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट भी अटैच हो गया है, एक्टिवेटर भी अटैच हो गया है, और उसने और ज्यादा एंजाइम को रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ हमारा एंजाइम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।